ओके तो कहाँ तक हम लोग किए थे? स्ट्रिंग वॉवल सर। स्ट्रिंग वॉवल्स तक हो गया था। प्रोग्रामिंग चल रहा था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे प्रोग्रामिंग चल रहा था उसी पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग वॉवल हो ही गया था, तो पहले नोटपैड खोल लेते हैं। और ये आप लोग के ग्रुप में भेज दिए थे ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर जा रही है ना आप लोगों तक? यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ तक हम लोग का हो गया था। इसी पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट अभी जुड़ा हुआ बहुत चीज है उससे, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे 1 मिनट पेन टैब लगाने दीजिए। तो अभी हम लोग का जो जो भी वर्क हो रहा था वो किस पे हो रहा था? नहीं, वो तो ठीक था। जो हमारा काम हो रहा था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर। हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन यस में कर सर। रहे थे। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन ऑफ स्ट्रिंग, इसी पे हम लोग अभी काम करते आ रहे थे। और यही इसका बताया भी थे कि अगर स्ट्रिंग पे किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, यहाँ नेविगेशन को हम लोग मैनिपुलेशन भी समझ सकते हैं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब अदल बदल, ठीक है, बदलाव, चेंज, ठीक है, उसको हम लोग मैनिपुलेशन वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? या कुछ है, कुछ निकालना, जैसे भवल निकालना, कॉन्सोनेंट निकालना, ठीक है। तो दीज आर द मतलब ये जो वर्क कर रहे हैं इसको हम लोग नेविगेशन या फिर मैनुपुलेशन वर्ड से सर रिप्रेजेंट मैनिपुलेशन मतलब बताए थे सर, इनपुट आउटपुट सर। नहीं, मैनुपुलेशन दिए थे, लेकिन बाद में ये कहे थे कि पहले इनपुट आउटपुट होगा, उसके बाद ना मैनुपुलेशन होगा। मैनुपुलेशन का मतलब डायरेक्ट हम नहीं बोले होंगे। कहा है स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए कहीं पे लिखा होगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू इनपुट आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग। यानी मैनिपुलेशन तो तब ना होगा जब क्या होगा, इनपुट आउटपुट होगा। अरे इनपुट ही नहीं होगा तो तुम मैनिपुलेशन कैसे करोगे? ठीक है, तो ये बताए थे कि इनपुट आउटपुट करेंगे कैसे करेंगे, मैनुपुलेशन कैसे करेंगे। तो कहता है कि इनपुट आउटपुट भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा, मैनुपुलेशन भी कैसे हो सकता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। तो अभी तक जो हमारा फोकस था, ठीक है, पिछले प्रोग्राम के पहले तक, वो था इनपुट आउटपुट बताना था ना। और पिछले प्रोग्राम में ये बताए थे कि इनपुट आउटपुट हो गया, अब मैनुपुलेशन, एक्चुअल मैनुपुलेशन कैसे करें, नेविगेशन कैसे करें। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे डाल दीजिए नेवी नेविगेशन। ठीक है,
इनपुट आउटपुट को डायरेक्ट हम मैनिपुलेशन में नहीं रखे थे, समझाने का ये पर्पस था कि अगर इनपुट आउटपुट नहीं करेंगे तो मैनिपुलेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनिपुलेशन का जेन्युइन मीनिंग होता है कुछ बदलाव लाना, कुछ चेंज लाना, कुछ एक्सट्रैक्ट करना, दीज आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। क्लियर? तो जैसे पिछला वाला प्रोग्राम हम लोग किए थे इनपुट आउटपुट के अलावा, जिसमें हम लोग वोवेल निकाले थे, कॉन्सोनेंट निकाले थे, स्पेसेस निकाले थे, दीज आर द काइंड ऑफ नेविगेशन और मैनिपुलेशन। ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसी मैनिपुलेशन नेविगेशन में हमको और काम करना है, बहुत सारा काम, और वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे ही। लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि जो हम कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सी में सिंगल कोट से, सिंगल कोट, सिंगल कोट। और स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? डबल कोट, डबल कोट। ठीक, तो इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग के अंदर कई कैरेक्टर्स होंगे। यस सर। अगर हर कैरेक्टर को हम इंडिविजुअली देखें तो वो सिंगल कोट में आ जाएगा। यस सर। और अगर हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं तो इसका मतलब कि वो अपने आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक आस्की वैल्यू यहाँ क्या हो गया, कैपिटल ए का 65, वेरी गुड। कैपिटल जेड का कितना हो गया? 97 सर। गलत। स्मॉल ए का कितना हो गया? 91। और स्मॉल जेड का कितना हो गया? 120। और जीरो का कितना हो गया? 48। और वन का कितना हो गया? 49। इस तरह से नाइन का कितना हो गया? 57 सर। 56 में होगा। यस सर। 56 में होगा जी। यस सर। 48, 49, 2 का 50, 3 का 51, 4 का 52, 5 का 53, 6 का 54, 7 का 55, 8 का 56 है, 57 57 होगा सर। 57। हाँ सॉरी, 57 होगा, ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 अगर ऐड करते हैं 48 में तो 58 होता है, एक कम रखना है, जीरो आ जाता है, तो 57 सही है। चलिए ठीक है, तो अगर हम कहीं पे ए लिखेंगे तो भी हमारा सी फॉलो करेगा? यस सर। और अगर हम कहीं पे इस ए के बदले पे 65 लिखेंगे तो भी हमारा, यानी हम ए लिख रहे हैं तो 65 फॉलो कर रहा है, 65 लिख रहे हैं तो क्या फॉलो कर रहा है? ए। ए कैरेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है और सी इसको इसी तरह से फॉलो करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। 65 कैरेक्टर ऐसे देंगे तो हो जाएगा सर। हाँ 65 मतलब अगर हम कहीं कैरेक्टर पोजीशन पे 65 लिख देंगे ना तो वो उसको कैरेक्टर, उसको 65 ना मान के वहां पे क्या मानने लगेगा? ये कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि सर तो इसको सिंगल कोट में नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कैरेक्टर सिंबल कोट में होता है, उसका आस्की वैल्यू तो एक इंटीजर वैल्यू होता है। ओके सर। ओके। यस सर। अब इतना दिमाग में रखिए ना, फिर बाकी चीज समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत दिमाग में बैठ गया?
कैरेक्टर के जगह पे दोनों का मतलब सेम है ठीक है। अगर हम ASCII वैल्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधे कैरेक्टर लिख के काम चला लेंगे ठीक है, और अगर ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको जोड़ घटाव करना है तो ASCII वैल्यू चाहिए तो ASCII वैल्यू लेके काम कर लेंगे ठीक। यस सर। कैपिटल ए और स्मॉल ए के ASCII वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना होता है? कितने का डिफरेंस होता है? 32 सर। तो इसी तरह से कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 32 सर। 32 मतलब है कि अगर हम कोई लेटर है और इसमें अगर हम 32 जोड़ दें तो दिस बिकम स्मॉल यस सर, और अगर कोई स्मॉल लेटर है उसमें हम -32 घटा दें तो दिस बिकम कैपिटल है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसी पे इसी पे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधे यहीं पे बनाते हैं, रन कराते हैं। आप लोग सी किस एडिटर में करते हैं? डेव में कर रहे हैं सब लोग? नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि कोई लेटेस्ट आप लोग तो नहीं यूज कर रहे हैं कोई आईडी। अब हम भी सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा सा हटे। एक्चुअली इससे हटने पे ना होता क्या है ना कि एक दो ऐसा फीचर है सिलेबस में कि जब डेव में जाते हैं या विंडो बेस्ड में जाते हैं ना तो वो पार्ट जो है सिलेबस का ना वो पूरा नहीं होता क्योंकि वो डॉस बेस्ड है, और वो यहाँ कन्वीनियंटली हो जाता है, कन्वीनियंसली हो जा रहा है यहाँ पे टर्बो में। इसी वजह से ना आज तक हम इसमें अटके रह गए हैं। जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट का है ठीक है, अब डेव में विंडो बेस्ड है, कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे बनाएंगे कैसे रन कराएंगे वो वहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है। अब हो सकता है कि कोई व्यवस्था दिया हो तो वो देखना होगा एक बार ठीक है। इसमें आसानी से हो जाता है ये सब चीज। सर कंपाइलर दोनों रखे हैं लेकिन ज्यादा यूज होता है देव सर। हाँ ठीक है, आप लोग कोई भी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है ठीक है। सर अंकित डिस्कनेक्ट हो गया था, वेटिंग में है थोड़ा। अंकित जायसवाल डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी क्लास कर रहा था तब तक डिस्कनेक्ट हो गया, अभी वेटिंग में है। अच्छा अच्छा, अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इनपुट ए स्ट्रिंग ठीक है। अच्छा एक पहला काम करते हैं, पहला टू इनपुट ए स्ट्रिंग, अभी ये बाद में आते हैं, एंड डिस्प्ले इट्स ASCII वैल्यू ऑफ ईच क्या कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू उनको डिस्प्ले करना है ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम रवि एंट्री करेंगे तो क्या करेगा उसका ASCII वैल्यू हर कैरेक्टर का देगा? अरे किसका, ठीक से बोलिए, रवि करेंगे तो ASCII वैल्यू किसका किसका चाहिए? आई का चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल के अनुसार, स्मॉल है तो चाहिए ना। तो कैसे मान लीजिए कि हम एक स्ट्रिंग एस ले लेंगे, कितना ले लेते हैं 20 लीटर ठीक है, एक लूप चलाने के लिए INT I ले लेंगे
ठीक है, पुट्स लगा देते हैं, कोई दिक्कत? यस सर। नो नो सर। क्या मांग लेंगे यूजर से? स्ट्रीम गेट्स कर लेंगे, किसमें? एस में। लेकिन हमें निकालना है कैसे? कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, क्योंकि जब तक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर नहीं निकालेंगे आज की वैल्यू भी हम नहीं प्रिंट कर पाएंगे, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप चलाते हैं फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या करते हैं एस आई नॉट इक्वल टू क्या लगा देते हैं? अरे स्टार्ट तो होगा जीरो से, और ये पता है कि लास्ट में क्या होगा, वहां पे कोई भी स्ट्रिंग होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा? नल होगा। तो भाई तब तक चलो जब तक कि आई पोजीशन पे नल ना मिले तब तक चलते रहो, आई बढ़ाते रहो, चलते रहो, आई बढ़ाते रहो, और जैसे आई बढ़ते बढ़ते नल पोजीशन पे चला जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक नल नहीं मिल रहा है मतलब कैरेक्टर मिल रहा है, और हमको उस आई पोजीशन के कैरेक्टर का क्या प्रिंट करना है? आस्की वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन लगा सकते हैं, ठीक है, आस्की वैल्यू ऑफ परसेंट सी इज परसेंट डी, ठीक है, और सी के जगह पे भी एस आई को प्रिंट करेंगे और डी के जगह पे भी किसको प्रिंट कराएंगे? ऐसा ही बन गया, ठीक है, अल्टार। अब बताइए सही है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप कोई भी डालिएगा, ये उसका आस्की वैल्यू हर एक कैरेक्टर के निकाल के बता देगा। अब एक पढ़ाइए, बीच में आता रहता है सब, यही सब डिस्टर्बेंस होता है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, हमको लग रहा है कि अगर दोनों में एक ही डालना है, अगर एक ही लिखते हैं तो फैच होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। ये आर एंड डी है, ठीक है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों जगह देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां पे कहां चला गया जी, देखिए यहां पे क्या हो रहा है ना, एस आई जब हम परसेंट सी से कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है रवि के केस में? आर। लेकिन जब परसेंट डी कर रहे हैं तो कंपाइलर क्या कह रहा है कि आर को हम लेटर भी समझ रहे हैं और उसका आस्की वैल्यू भी समझ रहे हैं। अब ये डिपेंड आप पे कर रहा है कि अगर आप परसेंट सी देंगे तो मैं लेटर दे दूंगा, और अगर परसेंट डी दे देंगे तो मैं उसका क्या दे दूंगा? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये लाइन समझा रहे हैं, लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। क्या लाइन समझ में आ रहा है? दोनों में एस आई लिखे हैं और एस आई में है क्या कैरेक्टर? क्या है कैरेक्टर? कैरेक्टर। तो जब हम प्रिंट करा रहे हैं और एक एस आई में हम परसेंट सी दे रहे हैं, एक एस आई में परसेंट डी दे रहे हैं, हमारा कंपाइलर पहले से एस आई में कैरेक्टर भी समझ रहा है और उसका आस्की वैल्यू भी समझ रहा है, दोनों समझ रहा है? यस सर। अभी इसके पहले नोट्स में बोले ना कि ए लिखते हैं तो 65 समझता है, 65 का मतलब ए समझता है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे लाना चाहते हैं। तो कहता है कि अगर आप एस आई लिख रहे हैं जो कि एक कैरेक्टर है, अगर उसको आप फेच परसेंट सी से करा रहे हैं तब तो आपको लेटर देगा। क्या देगा? लेटर, यानी लेटर। लेकिन अगर आप परसेंट डी से करा रहे हैं तो क्या दे देगा? उसका आस्की वैल्यू सर, इंटीजर में। यस सर। क्लियर? क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक। सर इसमें प्रिंट की जगह पुट्स भी तो लिख सकते हैं। पुट्स कैसे लिखिएगा? पुट्स तो स्ट्रिंग के लिए होता है। ओके सर। हम स्ट्रिंग थोड़ी प्रिंट करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं?
अभी हम स्ट्रिंग के बारे में सिर्फ दो ही चीज जानते हैं अभी तक, इनपुट करना और आउटपुट करना। स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट करने के रेस्पेक्ट में दोनों चीज बता दिए आपको, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। यस या नो? यस सर। यस सर। अब एक्चुअल हम लोग मैनिपुलेशन पार्ट में है। किस पार्ट में है? मैनिपुलेशन, नेविगेशन, जो भी आप बोले उसको, हम उस पार्ट में है जहां स्ट्रिंग में हम बदलाव लाना चाहते हैं तरह तरह का, ठीक है। तो उस केस में कहता है कि आप इनपुट भले स्ट्रिंग की तरह कीजिए, पर नेविगेशन वाला जो पार्ट होगा ना वो स्ट्रिंग की तरह ना होकर कैसे होगा? कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। तो क्या हम स्ट्रिंग की तरह नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन चाहिए जो अभी हम नहीं जानते। अभी हमको क्या सीखना है? कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम स्ट्रिंग को नेविगेट करना सीख गए हैं, तो जो फंक्शन हमको दिया जाएगा ना नेविगेट करने के लिए, वैसा फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे नोट्स पे। आ गया नोट्स यहाँ है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग का केस कितना होता है। स्ट्रिंग केस, केस समझते हैं? यस। केस का मतलब होता है राइटिंग फॉर्मेट ऑफ ए स्ट्रिंग, है ना? यस। राइटिंग फॉर्मेट ऑफ ए स्ट्रिंग, कितना होता है बताइए? क्यों बेसिक में बताया जाता है? यस सर। टाइटल टॉगल केस, टॉगल केस। वाह वाह, वेरी नाइस। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। पर केस, लोअर केस, टाइटल, टॉगल, टाइटल टॉगल और सेंटेंस। सेंटेंस के कितना दूर चल गए सर? राइटिंग फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया? यानी स्ट्रिंग केस ये कितना हो गया टोटल? पांच। यस सर। फाइव हुआ ना? यस सर। वो फाइव केस कौन से हैं? अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस, टाइटल केस। टोटल कितने केसेस होंगे? फाइव केस। लिखने का तरीका, जिसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा लोअर केस, ठीक है। और लोअर केस में सब चीज क्या होगा? लोअर लेटर में होगा? यस सर। यस। उसके बाद होगा अपर केस। यस सर। अपर केस में सब चीज क्या होगा? अपर लेटर, ठीक है। उसके बाद होगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, और सेंटेंस केस में क्या होगा? पूरे लाइन का पहला वर्ड बड़ा, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल, बाकी स्मॉल, ठीक है। और फोर्थ होगा टाइटल केस, होगा। और टाइटल केस में क्या होगा? यस सर। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल। ओके, नॉट ओके? वन सेकंड। हाँ
सर बोलिए। मेरा आशीर्वाद कह रहा लीजिएगा भाई, बोलिए। आशीर्वाद का स्टॉक आजकल कम हो गया, हम दूसरे से ले रहे हैं आशीर्वाद, पर अभी क्लास ले रहे हैं। सर सेंटेंस कैसे ना सर, एक पैराग्राफ में ओनली फॉर एक कैप्टर होना चाहिए सर। बस 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 फर्स्ट। और टाइटल केस में क्या होना चाहिए, जितना वर्ड होगा सबका ठीक है। और एक हो गया टॉगल, ठीक है। तो टॉगल में कहता है ना कि जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा, छोटा वो बड़ा, छोटा वो बड़ा। जैसे अगर टॉगल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें टी जो है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा, ठीक है। और बाकी सब क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा, बड़ा कैपिटल लेटर, कैपिटल विल बी स्मॉल एंड स्मॉल विल बी कैपिटल। वही रूल वही है, नियम नहीं बदलता है कहीं पे भी। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पहला इस दोनों की शुरुआत करते हैं कि स्ट्रिंग लेना है हमको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग लेना है हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है। पॉइंट क्लियर? यस सर। और दोनों के बीच का डिफरेंस बता ही दिए हैं कितना है, 32। ठीक ठीक। तो बस अब क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब क्या है, सारा चीज तो हमको पता ही है, वही तरीका एक ही प्रोग्राम का जो बता दिए हैं वही चलता रहेगा, ठीक है। एक ही स्टाइल से सब बन रहा है, कोई स्टाइल चेंज नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन बदल देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, टू इनपुट ए स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इन टू अपर केस कर देते हैं पहले। यस सर। कन्वर्ट and convert into अपर केस। तो 32 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे सर। अरे लोअर मिलेगा उसी को अपर में ले जाएंगे, तो घटाएंगे तो इंटर स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। ये लूप चला दिए, अब प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट नहीं ना करना है। अब क्या करना है, जो भी करेक्टर आएगा उसको चेक करना है कि वो लोअर केस है कि नहीं, तब ना अपर करेंगे। अपर होगा तो हमको थोड़ी जरूरत है करने का, तो कैसे चेक करेंगे? बोलिए क्या करें। यहां पे लिखेंगे इफ करेक्टर किस में मिलेगा, एस। अरे एस आई क्या है यहां, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बोला करो एसआई क्या है यहाँ, करेक्टर। करेक्टर इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ चेक करने का दो तरीका है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम चेक करेंगे कि 97 एंड एसआई लेस देन इक्वल टू कितना, 122। तो 122 का मतलब अगर एस आई इन नंबर के बीच में है तो क्या है, कैपिटल लेटर की स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। क्या करना है, कैपिटल कैपिटल में कन्वर्ट, एस आई बराबर एस आई में से क्या करेंगे, कितना घटा देंगे, -32। बदल गया ना? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम स्मॉल ए सिंगल कोट में यहाँ पे स्मॉल जेड भी लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि स्मॉल ए लिखेंगे सिंगल कोट में तो वो 97 समझेगा, 97 लिखेंगे तो स्मॉल ए समझेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। दोनों चीज वैलिड हो जाएगा। ओके हो गया, काम खत्म। अब लूप से जब बाहर निकलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो चुका है, अपर केस में। पुट्स करके किसको प्रिंट करा देंगे, एस को। पूरा स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट करा दिए, ठीक है।
अच्छा, इस प्रोग्राम में इनपुट भी हुआ स्ट्रिंग की तरह, आउटपुट भी हुआ स्ट्रिंग की तरह, लेकिन नेविगेशन जो हुआ, मैनिपुलेशन जो हुआ, वो किस फॉर्म में हुआ? कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, ओके। अगर जितना पॉइंट्स हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं तो एकदम कभी दिक्कत नहीं होगा, आराम से सब बन जाएगा। इंटर स्ट्रिंग क्या दे दें? नाम ही दे देते हैं। यस सर। यस सर। हो गया। यस सर। यस सर। दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। नहीं, हो सकता है सोच रहे होंगे कि कहीं सर कुछ सेटिंग कर दिए होंगे। सही है ना? यस सर। यस सर। सोच रहे होंगे कि यही काम करते हैं, सेटिंग किया होंगे। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। अब सेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बार रन करा के सिर्फ दिखा देते हैं कि यहाँ पे अगर हम 97 लिखे, एक बार स्नैप पहले ले लीजिए, हर वेरिएशन आप ले लिए हैं। यस सर। अब दूसरा वाला भी स्नैप लीजिएगा। ये कहाँ गायब हो गया भैया? यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं सिंगल कोट के अंदर क्या, यहाँ क्या कर देते हैं सिंगल कोट के अंदर जेट, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, कर रहा है ना? यस यस सर। तो इसका भी स्नैप ले लीजिएगा ताकि जब भी देखिएगा तो आपको आइडियाज मिलता रहेगा कि 65A 97A एक ही बात होता है। ठीक, तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया किसमें? लोअर को किसमें किया हमने? अपर में सर। अपर में। तो क्या अपर को लोअर में आप नहीं कर लीजिएगा? यहाँ पर सर ऐड कर, कहाँ क्या बदलाव लगेगा? ए जेड को कैपिटल में लिख देंगे और प्लस 32, यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 32। चलिए, वेरी नाइस, तो उसको बना लीजिएगा। ओके सर। यस सर। पहला होमवर्क आपको मिल गया। यस। लोअर केस। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस केस। सेंटेंस केस तो बहुत आसान है। यस सर। लेकिन फिर भी हम बताएंगे, ठीक है, कुछ तो बना लेगा लेकिन कुछ सेंटेंस केस में कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिए। yes. उसमें क्या कहता है? पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कैपिटल। बाकी सब स्मॉल। स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर किस पोजीशन पे? जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन पे। ठीक, हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि इफ एस जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड एस जीरो लेस देन इक्वल टू 122, तो एस जीरो बराबर एस जीरो माइनस 32 कर दिए। जीरो का खेल खत्म, इसको चला दिए कहां से? वन से। और इसमें चेक किए कि भैया अगर तुम बड़े हो तो क्या हो जाओ? छोटे हो जाओ, कैपिटल हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? प्लस प्लस 32। ठीक है, बन गया। ये हो गया आपका किसका? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। ठीक है, रन करा लेते हैं पहले। इंटर स्ट्रिंग, ठीक है, माय नेम इज रवि कुमार, ठीक है, इंटर, तो एम कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। स्मॉल। सही है? यस सर। यस सर।
ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, सेंटेंस केस हो गया। अगले क्लास का वक्त हो गया है तो आज की सेवा यहीं तक रहने दीजिए। एक होमवर्क आपको दे दिए हैं, उसको बनाइए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और हाँ, और हम